लगता है बीजेपी का वक्त खराब चल रहा है, क्योंकि बीजेपी की पोल उनके नेताओं के जरिए खुलती ही जा रही है। बीजेपी की पोल उनके ही नेता जाने अनजाने में खोल रहे हैं। मोदी के लंदन में हुए कार्यक्रम में पूछे गए एक छात्र के द्वारा सवाल में जब मोदी ने ये कहा कि इस सवाल के कई जवाब हो सकते हैं, लेकिन अगर इस शाम का ख्याल रखते हुए हल्का फुल्का जवाब दे दूं तो कहूंगा कि मैं पिछले करीब 2 दशक से यानी लगभग 20 साल से हर दिन 1 किलो से 2 किलो गालियां खा रहा हूं। ये बात पीएम नरेंद्र मोदी ने लंदन में वेस्टमिंस्टर सेंट्रल हॉल में एक सिख लड़के के सवाल पर देते हुए कहा था। लड़के का नाम तरनप्रीत सिंह था। झारखंड के जमशेदपुर शहर का रहने वाला तरनप्रीत सिंह लंदन के यूनिवर्सिटी ऑफ वॉरविक में पढ़ाई करता है। तरनप्रीत ने पीएम नरेंद्र मोदी से पूछा था कि आप 20-20 घंटे लगातार काम करने के बावजूद कभी थके हुए नहीं दिखते हैं, आपको ऊर्जा कहां से मिलती है? इसके जवाब में नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं लगभग 20 साल से हर दिन 1 किलो से 2 किलो गालियां खा रहा हूं। पीएम नरेंद्र मोदी का ये जवाब भारतीय मीडिया के लिए सुर्खियां बन गया और तरनप्रीत सिंह देखते ही देखते टीवी, सोशल मीडिया और वेब मीडिया पर छा गए। मीडिया बता रहा है कि एक आम लड़के के सवाल पर पीएम नरेंद्र मोदी ने मजेदार जवाब दिया, लेकिन हकीकत कुछ और है। ना तो ये लड़का आम है और ना ही उसकी आइडेंटिटी। तरनप्रीत के पिता का नाम है अमरप्रीत सिंह काले। अमरप्रीत सिंह झारखंड में बीजेपी के सच्चे सिपाही हैं। आप इन्हें कोई आम कार्यकर्ता समझने की गलती ना करें। आप अमरप्रीत सिंह के बीजेपी में कद का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि वो झारखंड के अंदर पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम रघुवर दास के साथ मंच साझा करते हैं। SPN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।